तेरी तैनाती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जो पिछड़ों की बात करेगा जो पिछड़ों की बात करेगा वही देश में राज करेगा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चैनल पर चला गए वीडियो में किसी व्यक्ति व समूह द्वारा व्यक्त किए गए विचारों का चैनल मंगल पेपर किसी भी तरह से समर्थन या खंडन नहीं करता है। नमस्कार, मैं मंगल कुशवाहा और आप देख रहे हैं मंगल पेपर। साथियों, इस समय मैं हूँ उत्तर प्रदेश के जनपद जालौन का एक मुख्यालय है उरई, और उरई में यहाँ पे जिलाधिकारी कार्यालय के मैं बाहर मौजूद हूँ। और इस समय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा की तरफ से आज जो पिछड़ा वर्ग ने जो आंदोलन का आगाज किया था, चार चरण में आंदोलन था, जो आज चौथा चरण है इसमें जेल भरो आंदोलन किया गया है। तो जो यहाँ पर जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा समेत कुछ अन्य पार्टी के जो नेतागण हैं, कुछ कार्यकर्ता हैं, उनसे हम रूबरू कराएंगे और आपसे मिलाएंगे और जानेंगे कि उन्होंने इस आंदोलन क्यों कर रहे हैं, और यदि आंदोलनकारियों की सरकार अगर नहीं सुनती है तो आगे का रिएक्शन क्या होगा, आगे का कदम क्या होगा, तो जानते हैं उनसे। आपका स्वागत है हमारे चैनल मंगल वेबर्ट पर। तो सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा, आप अपना परिचय दें। आरबी कुशवाहा जी, अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा जी। तो आपने जो आज आंदोलन आप कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, किस उपलक्ष्य में है और आपका क्या मतलब मामला है, आपकी क्या मांगे हैं? हमारी ये मांग है कि सर्वप्रथम जो है जी इस भारत देश में जी जाति आधारित गणना कराई जाए जी, और ओबीसी की जाति आधारित गणना कराई जाए जी, क्योंकि यहाँ तक है कि पिछड़ों की भी गिनती होती है परंतु पिछड़ों की इस देश में गिनती नहीं हो रही है। इसलिए इस जब तक हमारी जाति आधारित गणना और ओबीसी की जाति आधारित गणना नहीं होगी तब तक हम आंदोलनरत रहेंगे। अच्छा, जब तक सरकार यदि आपकी बात नहीं मानती है तब तक आप इसी तरीके से आंदोलन करते रहेंगे। तो जैसा कि आपका ये चौथा चरण था आंदोलन का, तो अभी तक सरकार की तरफ से कोई आपको आश्वासन या कोई आपको बाधा दिया गया, कोई रिएक्शन हुआ सरकार की तरफ? नहीं, अभी तक कोई रिएक्शन नहीं हुआ, बल्कि जात आधार गणना के लिए यहाँ तक हुआ कि मोदी ने तो स्पष्ट करके एफिडेविट दे दिया प्रधानमंत्री ने जी कि हम जाति आधार गणना नहीं करेंगे। अच्छा, तो इस कंडीशन में आपका अगला कदम क्या होगा? कदम ये है, हमारे एक मुद्दे नहीं है, हमारे और भी मुद्दे हैं जी। जाति आधार गणना का हमारा मुद्दा है जी। दूसरा मुद्दा हमारा ये है कि जी ईवीएम मशीन जी में जी जब तक 100% पेपर ट्रेल की अकाउंट ना हो जी तब तक हमारा आंदोलन चलता रहेगा। अन्यथा अगर ईवीएम में 100% पेपर ट्रेल का गिनती नहीं करते हैं जी तो हमारी ये मांग है कि बैलेट पेपर से चुनाव कराएंगे जी। साथियों, पुरानी पेंशन के बारे में भी मेरा आंदोलन है जी कि जब तक हमारे पुराने जो साथी हैं जी पेंशनर हैं जी गैस गवर्नमेंट ने 2004 से जी पेंशनर की जो है जी पेंशन बंद कर दी है जी, उस समय भी यही गवर्नमेंट थी जी, उस समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जी, उस समय ये जनगणना ये पेंशन बंद की गई थी और आज तक पेंशन बंद है और प्रेजेंट में भी भाजपा सरकार है जी, उससे भी हमारी ये डिमांड है कि आप पेंशनर जो पुरानी पेंशन है उसको बहाल किया जाए। जब तक ये पुरानी पेंशन बहाल नहीं होगी तब तक हम लोग धरना पड़ रहे हैं। सबका मुद्दा और भी है जी, गवर्नमेंट ने CAA जी कानून लागू किया है जी, और NPR NRC जी जो इन्होंने रजिस्टर बनाए हैं जी, और भारत में जी इस प्रकार से जो लोग हैं उनका जो CAA कानून बनाया है ये कानून जो है अवैधानिक है जी, और भारत के नागरिकों का मूल अधिकारों का हनन है इसमें जी, इसलिए इस कानून के विरोध में भी हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ये कानून को रद्द करने तक हम आंदोलन कर रहे हैं जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी तेरी तैनाती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जो पिछड़ों की बात करेगा वही जो पिछड़ों की बात करेगा वही देश में राज करेगा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चौधरी विकास पटेल संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। चौधरी विकास पटेल आगे बढ़ो, हम तुम्हारे। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चौधरी विकास पटेल संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। चौधरी विकास पटेल संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जो पिछड़ा
पिछड़ों की बात करेगा, नहीं देश में राज करेगा, जब मूल निवासी जागेगा, निवासी बोल पचासी मूल निवासी जो पिछड़ों की बात करेगा, चौधरी प्रकाश पटेल जिंदाबाद बड़ा। सभी साथी आ जाएंगे, इधर आ जाइए सभी लोग, इधर इधर देखिए, आप इस तरफ इधर हाँ इधर देखिए, ठीक धन्यवाद।